दोस्तों आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में इसमें अकाउंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है या यू कहें ये तीन टाइप्स के होते हैं इसमें पहला है पर्सनल अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट वो होता है जो किसी इंडिविजुअल पर्सन किसी फर्म कंपनी या फिर किसी पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है इसमें जैसे मोहन का अकाउंट कोई बैंक अकाउंट या फिर कोई एक्सवाइजेड कंपनी ये सब आते हैं दूसरा होता है रियल अकाउंट्स रियल अकाउंट्स में किसी भी बिज़नेस या कंपनी की असेट्स या फिर उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब आती हैं इसके अलावा वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं जिनकी वैल्यू को मनी के टर्म में मीज़र किया जा सकता है जैसे कैश अकाउंट फर्नीचर अकाउंट गुडविल अकाउंट एट्सेट्रा थर्ड हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स में बिज़नेस के जो भी एक्सपेंसेस या इनकम्स होती हैं वो सब आते हैं एक्सपेंसेस में जैसे सैलरी पेड रेंट पेड एक्सेट्रा और इनकम्स में डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड ये सब आते हैं इसकी कंप्लीट वीडियो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं